दौलतपुरा के लक्ष्मी नारायणपुरा गांव में फंदा लगाकर युवक ने किया सुसाइड। मरने से पहले परिवार को कमरे में किया लॉक। दौलतपुरा थाना इलाके में शनिवार रात फंदा लगाकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले उसने सोते परिवार को कमरे में बंद कर दिया। रविवार सुबह गेट खटखटाते परिवार को पड़ोसी ने बाहर निकाला। दूसरे कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिला। दौलतपुरा थाना पुलिस ने FSL की टीम से सबूत जुटाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया है। SI दीप सिंह ने बताया कि मृतक मामराज पुत्र नानूराम कुमार दौलतपुरा के लक्ष्मी नारायणपुरा में रहता था। वह विश्वकर्मा स्थित गैस प्लांट में गाड़ी चलाता था। वह 5 बच्चों और पत्नी के साथ यहाँ रहता था। रात करीब 8:30 बजे खाना खाने के बाद पत्नी बच्चों के साथ कमरे में सोने चली गई। देर रात मामराज ने परिवार के कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद साड़ी का फंदा लगाकर दूसरे कमरे में सुसाइड कर लिया। दूध वाला आया तो परिवार बाहर निकला। रविवार सुबह 7:30 बजे दूध वाला घर आया। काफी आवाज के बाद कोई बाहर नहीं आया तो वह अंदर घुसा। घर के अंदर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। दूध वाले ने पड़ोसियों की मदद से मेन गेट को धक्का देकर खोला। अंदर जाने पर परिवार एक कमरे में बंद मिला। कुंडी खोलकर महिला और उसके बच्चों को बाहर निकाला। दूसरे कमरे में मामराज साड़ी के फंदे से बेड पर घुटनों के बल बैठा था। दौलतपुरा थाना पुलिस ने FSL की टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने मृतक के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने पर की बात से इनकार किया है। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है।